देश के सबसे बड़े विवाद का आखिरकार फैसला आ ही गया। आजाद भारत के जिस विवाद को 70 सालों में कोई भी सुलझा नहीं सका था, उस अयोध्या विवाद को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आखिर सुलझा ही दिया। संविधान पीठ ने इस फैसले को इस तरह से सुलझाया है कि इसमें सभी पक्षों की जीत हुई है। आखिर इस महाफैसले के शिल्पकार कौन थे? आखिर इतने बड़े विवाद को सुलझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कौन हैं? ये आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। तो चलिए इस महाफैसले के शिल्पकारों का परिचय हम आपसे कराते हैं। सबसे पहले बात उस जज की जिसने संविधान पीठ का नेतृत्व किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 2018 को बतौर मुख्य न्यायाधीश पदभार ग्रहण किया था। 18 नवंबर 1954 को जन्मे जस्टिस रंजन गोगोई ने 1978 में बार काउंसिल ज्वाइन की थी। उन्होंने शुरुआत गुवाहाटी हाई कोर्ट से की। 2001 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज भी बने। इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई 2010 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्त हुए। 2011 में वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 23 अप्रैल 2012 को जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बतौर चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक मामलों को सुना है, जिसमें अयोध्या केस, एनआरसी, जम्मू कश्मीर पर याचिकाएं शामिल हैं। इस महाविवाद को सुलझाने वाले दूसरे जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े। जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद 18 नवंबर को देश के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। 1978 में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र को ज्वाइन किया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस की। 1998 में वरिष्ठ वकील भी बने। साल 2000 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज पदभार ग्रहण किया। इसके बाद वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2013 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कमान संभाली। जस्टिस एस.ए. बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। अब बात अयोध्या विवाद पर महाफैसला देने वाले तीसरे जज की। इस सर्वसम्मति से फैसला देने वाले संविधान पीठ में जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था। उनके पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वो बतौर जज रह चुके हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुके हैं। बतौर जज नियुक्त होने से पहले वो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। वो सबरीमाला, भीमा कोरेगांव, समलैंगिकता समेत कई बड़े मामलों में पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। आजाद भारत की जिस सबसे बड़े मुकदमे का देश सांस रोक के इंतजार कर रहा था, उस फैसले को देने में जस्टिस अशोक भूषण का बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश से आने वाले जस्टिस अशोक भूषण का जन्म जौनपुर में हुआ था। वो साल 1979 में यूपी बार काउंसिल का हिस्सा बने, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। इसके अलावा उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई पदों पर काम किया और 2001 में बतौर जज नियुक्त हुए। 2014 में वो केरल हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए और 2015 में चीफ जस्टिस बने। 13 मई 2016 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यभार संभाला। अदालतों में सालों से जो विवाद महज तारीख पर तारीख पा रहा था, उसे लगातार 40 दिनों तक सुनवाई कर अंजाम तक पहुंचाने में जस्टिस अब्दुल नजीर का खास योगदान है। जस्टिस अब्दुल नजीर 5 सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल थे। अयोध्या मामले की बेंच में शामिल जस्टिस अब्दुल नजीर ने 1983 में वकालत की शुरुआत की। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, बाद में वहां बतौर एडिशनल जज और परमानेंट जज कार्य किया। 17 फरवरी 2017 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कार्यभार संभाला। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जिस तरह से अपने फैसले को गढ़ा है, उसने देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचा लिया है। इस फैसले ने सभी पक्षों को संतुष्ट किया है। इस फैसले से जहां राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, तो अयोध्या में किसी दूसरी जगह मस्जिद बनाने की बात कही गई है, यानी तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। इस फैसले में न किसी की हार हुई और न किसी की जीत। ब्यूरो रिपोर्ट।